महोदय, आज मांग संख्या 43 रेल मंत्रालय की मांग अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी और हमारे राज्य मंत्री अगाड़ी जी का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय संसदीय मंत्री का पहली बार मुझे मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर मिला है और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का और हमारे संसदीय मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, मैं जिस प्रदेश के जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर का इलाका है, जहाँ पर कान्हा और पेंच जैसे नेशनल पार्क आते हैं और अंग्रेजों के जमाने की 1903 की रेल लाइन थी जो मेगा ब्लॉक के बाद 2016 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और इसलिए जो जिस गति के साथ तेज काम होना चाहिए था उस गति को देने का काम मोदी जी ने किया। 2004 के पहले गैस कार्पोरेशन का घोषणा हुई थी, परंतु जब मोदी जी की सरकार, जब तेज गति से काम करने वाली सरकार आई, तभी इस रेल का काम मेरे जिले में, मेरे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को और आदरणीय हमारे पीयूष मंत्री जी को, गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तेज गति के साथ काम कर रहे हैं उसमें अभी उस काम को और तेज गति से करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। यदि समय पे हमें धनराशि मिल गई तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र की जो छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से बालाघाट की जो मार्ग का जो गैस कार्पोरेशन का काम है, एक समय सीमा मार्च अप्रैल तक पूरा करके आपके माध्यम से लोकार्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय जी, मैं विस्तार से ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी सारी बात कही है, पर जिस तरह से निश्चित रूप से रेल सबसे सस्ता साधन है यात्रा के लिए और सुलभ साधन है और इसीलिए हमारे यहाँ जो एक थीम है कि साफ, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा, और उसको पूरा करने का हमारा रेल मंत्रालय काम कर रहा है। क्योंकि रेल समय सीमा पर यदि जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और कई बार रेल को बदलना पड़ता है, ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो ऐसे समय पर यदि समय पर हमारी यात्रा नहीं होती है तो अनेक बार यात्रियों को परेशानी आती है। वर्तमान समय में मेरे यहाँ बालाघाट से नागपुर के लिए जब रेल यात्री जाते हैं तो गोंदिया में उनको परिवर्तित करना पड़ता है रेल को, ट्रेन को, तो वहाँ पर यदि ट्रेन लेट होती है तो जिसके कारण दिक्कतें आती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि रेल का जो समय है वो बिल्कुल ठीक हो। अभी एक ट्रेन मेरे यहाँ पर जो बालाघाट से प्रारंभ की गई है, जिसका मैंने मांग की थी कि सुबह करें और शाम को वापिस ट्रेन आए, और वो जो रेल जो ट्रेन दी गई उस ट्रेन का समय जो दिया गया है, तो गोंदिया वाली जो ट्रेन है हमारी, वो उसका 10 मिनट समय पहले कर देने के कारण से यात्रियों को असुविधा होने लग गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बालाघाट से नागपुर को जाने वाले यात्रियों के लिए जो गोंदिया से ट्रेन प्रारंभ की है उसका समय यथावत रखा जाए या बालाघाट से चलने वाली ट्रेन को 10 मिनट पहले कर दिया जाए तो यात्रियों को उसकी सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कुछ मांग के ही विषय में कहना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, जो मैं जो मांग रखने जा रहा हूं, ये पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, रामटेक से पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सांसद होते थे, उस समय की उनकी घोषणा थी 84-85 की नागपुर से जबलपुर रेल लाइन के लिए रामटेक घोटेगांव रेल लाइन का सर्वे भी हुआ, पर जिन किसी भी कारणों के कारण से आज तक उसको फिजिबल नहीं माना गया। और इस बार भी मैंने मांग रखी है कि रामटेक से घोटेगांव या शिकारा यदि इस रेल मार्ग को बनाने का काम किया जाता है तो उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला सीधा मार्ग होगा। 275 किलोमीटर की दूरी हमारी कम होगी नागपुर से जबलपुर के बीच के लिए, क्योंकि अभी नागपुर से इटारसी और इटारसी होकर जबलपुर जाया जाता है, ये सीधा नागपुर और जबलपुर के बीच में केवल 250 किलोमीटर का, 275 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम होगी, इसलिए इस रेल मार्ग को स्वीकृत करने का काम करें। इसी तरह से सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर बालाघाट में मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट है और यहाँ पर सारा माल ढुलाई का होता है, रेल को सबसे ज्यादा आमदनी ढुलाई से होती है, पर रेल मार्ग न होने के कारण से सारी ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। यदि मलाजखंड से चेराई डोंगरी जो मंडला नैनपुर के बीच में आता है, मुश्किल से 50 किलोमीटर का मार्ग है, यदि इस मार्ग को पूरा किया जाता है तो रेलवे को भी फायदा होगा, यात्रियों को भी लाभ होगा और हमारे को
इस यात्रा के माध्यम से कान्हा पार्क में आने जाने वाले लोगों को भी इस रेल मार्ग का लाभ मिलेगा। जिस तरह से नागपुर जबलपुर के बीच में पेंच है, यदि यह मार्ग भी बनता है तो पेंच में आने वाले यात्रियों को भी रेल मार्ग का लाभ मिलेगा। दूसरा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, एक दो तीन मांगे मेरी, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, सारे बजट पे चर्चा नहीं कर रहा, पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक दो तीन मिनट करो समय दे। इसी तरह से कटंगी, क्योंकि मेरे यहाँ माइल है, सारे ये चीज है, इसलिए मैं इन मांगों को रखना चाहता हूँ कि कटंगी से सिवनी एक नया रेल मार्ग, जिसकी भी लंबाई केवल 50 किलोमीटर दूरी है, अभी इसको भी बनाया जाता है, तो इसके कारण से भी हमारे यात्रियों के साथ साथ माइल के भी काम में हमको लाभ मिलेगा। बालाघाट में चूंकि नई रेल लाइन बहुत जल्दी पूरी करने जा रहे हैं, बालाघाट से लंबी दूरी की गाड़ियां चलेंगी, वॉशिंग यार्ड नहीं होने के कारण से अभी हमको यहां से गाड़ी प्रारंभ करने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह से सभापति महोदय, नया ट्रैक बन रहा है मेरा छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच का, और सिवनी में चूंकि रेक पॉइंट नहीं है, अभी जो भी हमारा रेक लगता है वो छिंदवाड़ा या बालाघाट से आता है, जो कि हमको लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। यदि रेक पॉइंट बनाया जाता है सिवनी में, तो हमारे यहाँ के व्यापारियों को, किसानों को, और सारे चाहे खाद बीज चाहे सीमेंट लोहा लाने में उसकी सुविधा मिलेगी, और हमको शासन को भी उसका, विभाग को भी उसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर चूंकि नया रेल मार्ग बन रहा है, तो भूमि अधिग्रहण हुई है, तो भूमि अधिग्रहण का भी राशि अभी तक एक दो मांग, सभापति महोदय, क्योंकि प्लीज जुड़ा हुआ मामला है, भूमि अधिग्रहण हुआ है और उनका पैसा अभी भी लोगों का नहीं मिला है, और जिनको पैसा मिल गया उनको नौकरी नहीं मिली है, जो शासन ने जो बात रखी है उसकी पूर्ति कर दें। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जो नया रेल मार्ग बन रहा है इसमें लगभग 840 पटरियाँ चोरी चली गई। मैंने शायद जीवन में पहली बार पढ़ा होगा कि पटरियों का चोरी जाना, 840 रेल की पटरियां रेल मार्ग निर्मित मार्ग से चोरी चली गई, जिसके कारण हमारा मार्ग विलंबित हो गया। दोषी जरूर उसमें पकड़ाई गए, जिसका जो रैकेट करने वाले पकड़ाई गए, पर उनके खिलाफ अभी बहुत तगड़ी कोई कार्रवाई नहीं की गई। छत्तीसगढ़ की दो कंपनियां हैं जिन्होंने सारी पटरियां खरीदी हैं, बहुत सारी अभी पटरियों का पकड़ाई जाना आवश्यक है। एक सुझाव के तौर पर अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से किसानों को जो असुविधा हो रही है उसके कारण से अंडर ब्रिज बन रहे हैं या ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तो अंडर ब्रिज में पानी भरने की दिक्कत आती है, और पानी भरने के कारण से लोगों को आने जाने